कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम Thank you.
Go, 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 go,
मेरे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वपदातिकम्
कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगपते गोपेश गोपिका राधा कांत नमोस्तुते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे उपस्थित आप सभी बड़भागियों का इस प्रत्येक रविवार को संध्या बेला में होने वाले इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
भगवान की असीम अनुकंपा से हम सभी कस्यावासियों को प्रत्येक रविवार को यहाँ पर सत्संग सुलभ होता है और हम सभी इसका लाभ उठाने के लिए एकत्रित होते हैं और होना ही चाहिए, क्योंकि सत्संग की बहुत बहुत महिमा है। क्या महिमा है? हमारे भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि देखिए, जो मनुष्य को, आदमी को स्वर्ग की ओर लेकर जाए, जो मनुष्य को स्वर्ग की ओर लेकर जाए उसको देवता कहते हैं, और जो घर में ही स्वर्ग को लेकर के आए, जो स्वर्ग को ही घर में लेकर के आए उसको मनुष्य कहते हैं। परंतु जो हमारे घर को ही स्वर्ग बना दे उसको संत कहते हैं, उसको सत्संग कहते हैं। ये सत्संग की महिमा है। देवता लोग तो मनुष्य को स्वर्ग में लेकर के जाते हैं, और मनुष्य जो है वह स्वर्ग को घर में लेकर के आते हैं, परंतु संत जो है अपने संग से, अपने सानिध्य से हमारे घर को ही स्वर्ग बना देते हैं। ये है सत्संग की महिमा। सत्संग की बहुत बहुत महिमा है। हमारे पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक समय भगवान विष्णु ने बलि महाराज जी से पूछा, सब लोग ध्यान से सुनिए, एक बार भगवान श्री विष्णु ने बलि महाराज से पूछा कि हे बलि महाराज, आप हमें यह बतलाइए कि आप किसी संत के साथ नरक में जाना पसंद करेंगे या किसी दुष्ट आदमी के साथ स्वर्ग में जाना पसंद करेंगे? सब लोग, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनिए, मैं लास्ट में पूछूंगा सबसे। एक बार भगवान विष्णु ने बलि महाराज से पूछा कि हे बलि महाराज, आप हमें यह बतलाइए कि आप किसी संत के साथ नरक में जाना पसंद करेंगे या किसी दुष्ट आदमी के साथ स्वर्ग में जाना पसंद करेंगे? आप क्या पसंद करेंगे, संत के साथ नरक में जाना या दुष्ट आदमी के साथ स्वर्ग में जाना, क्या पसंद करेंगे? उस समय बलि महाराज ने कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं जो है संत के साथ नरक में जाना पसंद करूंगा, लेकिन दुष्ट आदमी के साथ मैं स्वर्ग में जाना पसंद नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी संत के साथ अगर मैं नरक में जाऊंगा तो संत के सानिध्य से नरक भी स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन अगर किसी दुष्ट आदमी के साथ में स्वर्ग में भी चला जाऊंगा ना, तो उस दुष्ट आदमी के संग से स्वर्ग भी नरक बन जाएगा।
इसीलिए मैं जो है संत के साथ नरक में जाना पसंद करूंगा, लेकिन दुष्ट आदमी के साथ मैं स्वर्ग में जाना पसंद नहीं करूंगा। ये पुराणों में कहता है। इस प्रसंग को सुनाने का भाव ये है कि अगर हम संत के सानिध्य में रहते हैं, भक्तों के सानिध्य में रहते हैं, तो भक्तों की संगति के प्रभाव से हमारा नरक जैसा घर भी स्वर्ग बन जाता है, और अगर हम दुष्टों की संगति में रहते हैं, बुरे लोगों की संगति में रहते हैं, तो बुरे लोगों की संगति के प्रभाव से हमारा स्वर्ग जैसा हंसता खेलता परिवार भी नरक बन जाता है। जैसे मंथरा के संग से राम जी का हंसता खेलता परिवार भी कैसी दुर्दशा को प्राप्त हो गया, आप सब लोग जानते हैं। इसीलिए हमें जो है बुरे लोगों की संगति को छोड़कर अच्छे लोगों की संगति, भक्तों की संगति सानिध्य में बैठना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए। सत्संग की बड़ी महिमा। सो आप सब बुद्धिमान हैं कि प्रत्येक रविवार को अपना कीमती समय निकालकर सत्संग में बैठते हैं। सुवाइए आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए हम सब लोग जो है साक्षी गोपाल की कथा सुनेंगे, और इस कथा के माध्यम से हम सब लोग यह जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान गोपाल जी जो है अपने एक भक्त के गांव में जा कर के अपने भक्त के पक्ष से भगवान ने गवाही दिया। आज हम लोग इस कथा के माध्यम से ये जानेंगे। आप सब लोगों को साक्षी गोपाल जी की कथा शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आज हम लोग ये कथा सुनेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि भगवान का सबसे पहले नाम था गोपाल जी, लेकिन भगवान ने अपने भक्त के गांव में जा कर के अपने भक्त के पक्ष की ओर से पंचों के बीच में जा कर के भगवान ने गवाही दिया, इसीलिए भगवान का नाम साक्षी गोपाल पड़ा। भगवान का नाम केवल गोपाल था, लेकिन भगवान ने अपने भक्त के लिए साक्षी बन करके उनके गांव में जाकर के पैदल उनके गांव में जाकर भक्त की ओर से गवाही दिया, इसीलिए भगवान का नाम साक्षी गोपाल पड़ गया। तो आज हम लोग उसी साक्षी गोपाल जी की कथा सुनेंगे, और चूंकि हम लोग कुछ अगले महीने में वृंदावन भी जाने वाले हैं, तो वृंदावन में हमें किस भाव से जाना चाहिए, क्या हमें पिकनिक के मूड में जाना चाहिए या किस भाव से जाना चाहिए, वृंदावन में कैसे रहना चाहिए, इस कथा के माध्यम से हम सब लोग वृंदावन की रहनी को भी समझ जाएंगे कि वृंदावन में हमें किस भाव से किस रहनी से रहना चाहिए। इस कथा के माध्यम से हम लोग ये भी समझेंगे, इसीलिए यह कथा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सब भक्तगण इस कथा को बिना बाधा पहुंचाए सब लोग इसको ध्यान से सुने। साक्षी गोपाल जी की कथा जो है चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, उसी कथा को हम सब लोग यहाँ पर संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं आप लोगों को ये जो कथा सुना रहा हूँ, यह कथा जो है कटक में
जो संभवतः उड़ीसा या बंगाल में आता है, कटक प्रदेश, उसी कटक प्रदेश में बलराम जी के अवतार नित्यानंद प्रभु जी यही कथा जो है चैतन्य महाप्रभु जी को सुनाते हैं, और इस कथा को चैतन्य महाप्रभु जी दोनों हाथ जोड़ करके अपने आंखों से अश्रुपात करते हुए भगवान की भक्त वत्सलता की लीला को बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो जो लीला बलराम जी के अवतार नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को सुना रहे हैं, वही लीला मैं जो है आप सब लोगों को गुरु कृपा श्रील प्रभुपाद जी कृपा से अपनी टूटी फूटी वाणी में सुनाऊंगा। तो आप सब लोग ध्यान से इस कथा को सुनिए। इस कथा का वर्णन करते हुए नित्यानंद प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि हे भगवान, एक समय बंगाल में दो ब्राह्मण रहते थे, उनके गांव का नाम था विद्यानगर। वो दोनों ब्राह्मण एक ही गांव में निवास करते थे। अब एक समय की बात है कि दोनों ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। जैसे हम लोग अगले महीने में वृंदावन जाएंगे, वैसे ही वो दोनों ब्राह्मण जो है तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। उन दोनों ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण जो है बहुत वृद्ध थे और दूसरे ब्राह्मण जो है वो बहुत युवा थे, यंग थे, जवान थे। दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए गए और सबसे पहले वे गया तीर्थ में गए, और गया में जाकर के उन्होंने सारे तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया, दर्शन किया, और उसके पश्चात जो है वे दोनों ब्राह्मण तीर्थों का भ्रमण करते 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 वे भगवान श्री कृष्ण की जन्म भूमि, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा में पहुंचे। मथुरा भूमि बड़ा पवित्र भूमि है, क्योंकि वहां पर भगवान ने जन्म लिया था, और मथुरा धाम की ऐसी महिमा है, अहो मधुपुरी धन्या दीनम एकम निवासेन हरो भक्ति प्रजायते। मथुरा धाम की ऐसी महिमा है कि उस मथुरा धाम में अगर कोई व्यक्ति एक दिन भी निवास कर लेता है तो उस मथुरा धाम के प्रभाव से उस व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति जो है प्रकट हो जाती है, भगवान श्री हरि का वो भक्त बन जाता है। मथुरा धाम की ऐसी महिमा है, और दोनों ब्राह्मण ऐसे महिमा से मंडित मथुरा धाम में पहुंचे और वहां पर जाकर के जन्म भूमि का दर्शन किया, वहां पर जाकर के यमुना जी में स्नान किया, विश्राम घाट पर विश्राम किया, बहुत सुंदर दर्शन किया, और फिर जो है वे दोनों ब्राह्मण मथुरा का दर्शन करके फिर वहां से गोवर्धन गए। हम लोग भी जब चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग मथुरा में चलेंगे, फिर वहां से हम लोग गोवर्धन जी चलेंगे। तो दोनों ब्राह्मण गोवर्धन जी में गए, गोवर्धन जी को प्रणाम किए और पूरा दिन भर भ्रमण करके गोवर्धन जी की परिक्रमा किए, और गोवर्धन जी के तलहटी में बहुत सुंदर सुंदर स्थान आते हैं, जैसे गोविंद कुंड है, श्याम कुंड है, राधा कुंड है, कुसुम सरोवर है, जतिपुरा है, मुखार बिंद है, पुछरी के लोटा, बहुत सुंदर सुंदर दिव्य स्थान पड़ते हैं, उद्धव कुंड। इस सारे स्थानों का दर्शन करते हुए गोवर्धन की परिक्रमा किया, और फिर उसके बाद जो है वृंदावन में जो 12 वन हैं उन 12 वनों के दर्शन किए।
देखिए पूरा जो ब्रज 84 कोष है ना, उस ब्रज 84 कोष में 12 वन है और उन 12 वनों में एक वन है वृंदावन। सब लोग एक बार महामंत्र उच्चारण कीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो पूरा जो ब्रज 84 कोष है, पूरा ब्रज जो है वो 84 कोष में फैला हुआ है और उस ब्रज 84 कोष में बहुत सारे वन हैं, लेकिन उन सारे वनों में 12 वन मुख्य हैं और उन 12 वनों में एक वृंदावन है। कई बार हम लोग वृंदावन का नाम सुनते हैं तो हम लोगों को लगता है कि वृंदावन मतलब हमने सारा ब्रज का दर्शन कर लिया, पर ऐसा नहीं, 12 वनों में एक वृंदावन है और उस वृंदावन जैसे और 11 वन हैं। समझ रहे हैं आप लोग? उन 12 वनों के नाम क्या है मैं आपको अभी बता देता हूं, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। और कभी कभी कथा में आते हैं ना तो आप सब लोग को नोटबुक लेके आना चाहिए, कभी कभी कोई कोई बात होती है उसको लिख लेना चाहिए। तो 12 वनों के नाम जो है इस प्रकार से है, अब प्रसंग आया तो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला वन है मधुवन, दूसरा वन है ताल वन, तीसरा वन है कुमुद वन, चौथा वन है बहुला वन, पांचवा वन है काम वन, छठा वन है खादिर वन, सातवा वन है भांडिर वन और आठवा वन है भद्र वन, नौवा वन है बेल वन और दसवा वन है लोह वन, ग्यारहवा वन है महावन और बारहवा वन है वृंदावन। इस तरह से ये 12 वन है, उन 12 वनों में एक वन है वृंदावन। कई लोग यही सोचते हैं कि अरे वृंदावन गए मतलब सारा वन का दर्शन हो गया, नहीं, 12 वनों में एक वन है वृंदावन, ऐसे 11 वन और हैं। तो उन दोनों ब्राह्मणों ने सारे वनों का दर्शन करते हुए वृंदावन में आए और वृंदावन में केसी घाट आप लोगों ने दर्शन किया होगा। केसी घाट जो है जो बिल्कुल ठीक यमुना जी से सटा हुआ है, यमुना जी के ठीक किनारे ही है और वहीं पर भगवान ने केसी नामक असुर का वध किया था, इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया केसी घाट। हम लोग पिछले बार गए थे तो वहीं पर हम लोग भी बैठे थे कुछ देर तक, पर वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में है। तो उन दोनों ब्राह्मणों ने केसी घाट के पास पहुंचे और केसी घाट के पास में कालिया दह है जहां पर भगवान कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य किए थे और कालिया नाग के सारे जहर को निकाल दिए थे। उस कालिया दह के पास पहुंच करके उन दोनों ब्राह्मणों ने यमुना जी में स्नान किया और स्नान करने के बाद
वहीं पर जो है कालियादह के पास में ही राधा गोविंद देव जी का मंदिर है। राधा गोविंद देव जी का मंदिर जो पिछले साल हम लोग दर्शन नहीं किए थे, राधा गोविंद देव जी का मंदिर बड़ा सुंदर मंदिर है और पहले बहुत बड़ा था, संभवतः 3-4 महाले का था, लेकिन जब मुगलों का शासन आया, विधर्मी लोगों का शासन हमारे जब भारत में आया तो औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़वा दिया। तो जब सबसे पहले औरंगजेब ने जब उस मंदिर के ऊपर का हिस्सा तोड़वा रहा था, तभी वहाँ पर बगल में हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी तुरंत वहाँ पर बानर का वेश बना करके वहाँ पर प्रकट हो गए और सारे बानर लोग जो है मंदिर को ध्वस्त करने वाले सारे विधर्मियों को मारने लगे और ऐसे जोर जोर से मारने लगे कि सारे विधर्मी लोग परेशान होकर वहाँ से भाग गए, तो बाकी का मंदिर बच गया। आज भी वो मंदिर वैसे का वैसा ही है, बड़ा सुंदर मंदिर है। तो उसी गोविंद देव जी के अभी जो गोविंद देव जी हैं, अभी गोविंद देव जी जयपुर में विराजते हैं, अभी गोविंद देव जी वहाँ उस मंदिर में नहीं विराजते हैं, अभी जयपुर में विराजते हैं। तो उसी गोविंद देव जी के मंदिर में एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसका नाम है गोपाल जी मंदिर। दोनों ब्राह्मण देवता जो है उस गोपाल जी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और दोनों ने श्री गोपाल जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद गोपाल जी को बड़ी विनम्रता पूर्वक दोनों ब्राह्मणों ने प्रणाम किया। देखिए वो दोनों ब्राह्मण जब वृंदावन में गए भगवान के लीला स्थलियों का दर्शन करने के लिए, तो जहाँ जहाँ पर वो दोनों ब्राह्मण दर्शन करने के लिए जाते थे, बड़े विनम्रता से भगवान को प्रणाम करते, बड़े विनम्रता से ब्रजवासियों के साथ, वृंदावन में रहने वाले वृंदावन वासियों के साथ बड़े प्रेम से बात करते, बड़े विनम्रता पूर्वक वहाँ पर यात्रा कर रहे थे। तो इन दोनों ब्राह्मणों के आचरण से हम सब लोगों को सीख मिलती है कि हम भी जब वृंदावन जाते हैं तो हम लोगों को वहाँ पर विनम्रता पूर्वक रहना चाहिए, उदंडता पूर्वक नहीं रहना चाहिए। कई लोग वहाँ पर भी जा करके अपना पिकनिक जैसा मूड रखते हैं, तो वृंदावन में जा करके पिकनिक जैसा उदंडता वाला मूड नहीं रखना चाहिए। वृंदावन हमारे ठाकुर जी का निज आवास है, उनका अपना घर है, वहाँ पर दुनिया के सारे तीर्थ भी जो है ना गधा का वेश बना करके घूमते रहते हैं, वहाँ के जो पशु पक्षी हैं वो बड़े बड़े तपस्वी हैं, वहाँ के जो वृक्ष हैं वो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वहाँ के जो कुत्ते हैं, वहाँ के जो सुअर हैं वो बड़े बड़े देवी देवता लोग जो है वहाँ पर सुअर का वेश बना करके भ्रमण करते हैं, ताकि भगवान जिस रज को अपने मुख से खाए हुए हैं ऐसे ब्रज रज में हमको लौटने का सौभाग्य मिले, इसलिए बड़े बड़े देवी देवता लोग भी वहाँ सुअर का वेश बना करके ब्रज के रज में लौटते हैं। इसीलिए जब ब्रज में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, तो बड़ा विनम्रता पूर्वक रहना चाहिए। कोई हमको मार भी दे तो उसको आशीर्वाद समझ के हमको ये समझना चाहिए कि ठाकुर जी ने हमारे गाल को स्पर्श किया है, बहुत विनम्रता पूर्वक रहना चाहिए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, कथा आती है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन गए और वृंदावन में भंडारा चल रहा था, नाभा गोस्वामी जी की कुटिया में भंडारा चल रहा था और भंडारा में भी खीर प्रसादी का वितरण हो रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी किसी भी भंडारा में नहीं जाते थे, लेकिन नाभा गोस्वामी जी जो कि
बहुत बड़े संत हुए जिन्होंने इस कलिकाल के सारे भक्तों के चरित्र को लिखा। उस ग्रंथ का नाम है भक्तमाल। भक्तमाल ग्रंथ बड़ा सुंदर है, इतना मोटा भक्तमाल ग्रंथ है। उस ग्रंथ को जो व्यक्ति एक बार पढ़ लेगा ना, मैं कागज पर लिख करके दे सकता हूँ कि जो व्यक्ति एक बार उस भक्तमाल ग्रंथ को पढ़ लेगा उसको निश्चित है भगवान का दर्शन हो जाए। इतना सुंदर ग्रंथ, इतना रसमय ग्रंथ है और इतना सहज, इतना सरल ढंग से समझ में आ जाने वाला ग्रंथ है कि आप पढ़ेंगे तो आपको खुद अनुभूति होगी। और उसमें केवल भक्तों का चरित्र है, केवल भक्तों का चरित्र है। और भक्तों में भी ऐसे भक्तों का चरित्र है जो दिन रात केवल भक्तों की सेवा करते थे, जो भगवान की सेवा छोड़ करके भी भक्तों की सेवा करते थे, ऐसे भक्तों का चरित्र उसमें वर्णन है। और एक से बढ़कर एक एक संतों का चरित्र उसमें वर्णन है। तो उस ग्रंथ के रचयिता कौन है? नाभा गोस्वामी जी। उनके कुटिया में, उनके आश्रम में खीर प्रसाद का भंडारा चल रहा था। फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में था कि भंडारा में नहीं जाएंगे। तब शिव जी ने उनको आज्ञा दिया, गोपेश्वर महादेव शिव जी ने उनको आज्ञा दिया कि आप जाइए और वहां पर खीर प्रसादी ग्रहण कीजिए। शिव जी की आज्ञा पाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी भंडारा में गए। और उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी की सिद्धि प्रसिद्धि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई थी, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना कर दिया था, रामचरितमानस की रचना कर दी थी, बड़ा उनकी प्रसिद्धि थी। लेकिन इतना प्रसिद्धि होने के बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में तनिक भी कहीं अहम भाव नहीं था, अहंकार नहीं था। तुलसीदास जी गए, देखे संतों का भीड़ लगा हुआ है, प्रसाद वितरण हो रहा है और इतना भीड़ भाड़ है कि कोई भी वहां पर पूछने वाला नहीं है, कोई भी आवा भगत करने वाला नहीं है कि आइए बैठिए, कोई भी कुछ पूछने वाला नहीं। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि सब संत महात्मा पंगत में बैठे हुए हैं, कहीं भी जगह नहीं है। तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी जहाँ पर संतों का चप्पल जूता खड़ाऊ रखा था ना, वहीं पर जाकर बैठ गए, वहीं पर जाकर बैठ गए। ये भक्तों की महानता होती है, यही संतों का स्वभाव होता है। संत कितने भी बड़े बन जाएं, कितने भी बड़े बन जाएं, वो हर परिस्थिति में जीना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि संत को आसन मिलेगा तो ही बैठेंगे, ऐसा नहीं है, नहीं मिले तो भी कहीं बैठ जाते हैं। संतों का जीवन ही ऐसे होता है, कभी सिंहासन मिलता है, कभी आसन मिलता है, कभी वो भी नहीं मिलता है, कभी घी घना, कभी सूखा चना, कभी वो भी मना। संतों का यही जीवन होता है, कभी तो खूब जो है घी में ताला हुआ मिलेगा, खाने को मिलेगा, कभी घी घना, कभी सूखा चना मिलेगा और कभी वो भी नहीं मिलता है, जैसे कल नहीं मिला निर्जला एकादशी के दिन। तो गोस्वामी तुलसीदास जी संतों का जहाँ पर चप्पल जूता रखा हुआ था वहीं बैठ गए। और एक भक्त जो है, महात्मा जी जो है, सबको खीर प्रसादी वितरण कर रहे थे। तो वो वितरण करते करते आए गोस्वामी तुलसीदास जी के पास। उन्होंने कहा कि महात्मा जी आप अपना बर्तन दीजिए, उसमें मैं प्रसादी डाल दूं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैं बर्तन तो नहीं लाया हूं। तो महात्मा जी ने कहा कि कोई तो बर्तन दे दिए, कैसे किसमें आपको मैं खीर दूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के एक हाथ में माला थी, अब बाएं हाथ से तो दाएं हाथ में माला थी और बाएं हाथ से प्रसाद ले नहीं सकते। तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया कि वहां पर एक संत का जूता रखा हुआ था,
उस जूते को हाथ में उठा करके और कहे कि इस जूते में प्रसाद डाल दीजिए। अब महात्मा जी तो भड़क गए कि हमारे ठाकुर जी का प्रसाद आप जूता में लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बिल्कुल इस जूते में ही दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि आप कैसे अजीब हैं, सब लोग जो है भगवान का, सारे संत महात्मा भगवान का प्रसाद अंजलि में ले रहे हैं, कोई पत्तल में ले रहा है, कोई दोने में ले रहा है, और आप जूता में ले रहे हैं। आपको पता नहीं कि जूता अपवित्र होता है। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि महात्मा जी क्षमा कीजिएगा, आप हमको ये बताइए कि जूता अपवित्र कैसे हो गया, क्योंकि सबसे पहले तो यह जूता एक संत का है, यह जूता एक संत का है, और जिस संत का जूता है वो संत भी कोई साधारण नहीं है, वो इस वृंदावन के रसिक संत हैं। उन संत के चरणों की सेवा करने वाला ये जूता है। और दूसरी बात ये है कि संत का जो चरण होता है, संत का चरण का जो रज होता है, उस चरण रज को पाने के लिए हमारे ठाकुर जी भी ललायित रहते हैं, उस संतों के चरण रज को भगवान भी अपने मस्तक पर लगाते हैं। किस लिए? कि संतों का चरण रज अपने मस्तक पर लगाऊंगा तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। तो जिन संतों के चरण रज को ठाकुर जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए, जिन संतों के चरण रज को धारण करके भगवान भी पवित्र हो जाते हैं, उसी संत का चरण रज इस जूते में पड़ा हुआ है, तो क्या ये जूता पवित्र नहीं हुआ है? और उसमें भी इस जूते में कहीं साधारण दुनिया का रज नहीं पड़ा हुआ है, इस जूते में वृंदावन का रज पड़ा हुआ है। जिस रज को हमारे ठाकुर जी ने अपने मुख से खाया है, ऐसा पवित्र रज भी इस जूता में पड़ने के बाद अगर अशुद्ध रह जाए, अपवित्र रह जाए, तब तो ब्रज रज की महिमा ही घट जाएगी। जिस ब्रज का रज जो है इस जूते को लगा है और फिर भी इतना पवित्र ब्रज रज के स्पर्श के बाद भी अगर ये जूता अशुद्ध रह जाए, अपवित्र रह जाए, तो ब्रज रज की महिमा क्या रही? ब्रज रज की तो महिमा ही घट जाएगी। जब इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस महात्मा जी को कहा, तो महात्मा जी मन ही मन समझ गए कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। महात्मा जी तुरंत नाभा जी के पास में गए, अपने गुरु जी के पास में गए और जाकर सूचना दिया। उस समय नाभा जी ने जैसे ही ये बात सब सुना, नाभा जी समझ गए कि हमारे कुटिया में आज किसी साधारण आदमी का आगमन नहीं हुआ है, जरूर किसी सिद्ध महापुरुष का आगमन हुआ है। नाभा को स्वामी जी दौड़े दौड़े गए और जैसे ही दर्शन किया तो उनको पता चल गया कि अरे ये तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। नाभा को स्वामी जी दंडवत, गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में दंडवत पड़ गए। गोस्वामी जी ने भी नाभा जी को प्रणाम किया, दोनों एक दूसरे का आलिंगन किए और फिर जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रसाद ग्रहण किया। तो ये प्रसंग बड़ा है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रज में गए तो सही, लेकिन वे ब्रज वृंदावन में कितनी विनम्रता पूर्वक, कितनी विनम्रता पूर्वक रह रहे थे कि संतों का जहाँ पर जूता रखा हुआ था उस स्थान पर बैठ गए, संतों के जूता में उन्होंने भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लिया। कितनी विनम्रता।
गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र से सीख मिलती है कि हम भी जब ब्रज में जाएं तो ऐसी विनम्रता पूर्वक दीनता पूर्वक रहें। देखिए ब्रज वृंदावन में जाना तो है लेकिन हम लोगों को वहां पर बहुत विनम्रता पूर्वक रहना है, बहुत विनम्रता पूर्वक। जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामी रहते थे, चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि जैसे घास का तिनका होता है वैसे हमें ब्रज वृंदावन में रहना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि दोनों ब्राह्मण देवता जो है वो गोपाल जी के मंदिर में गए और वहां पर जाकर के बड़ी विनम्रता पूर्वक गोपाल जी को प्रणाम किया, प्रार्थना किया और गोपाल जी की छवि को देख करके वो दोनों ब्राह्मण जो है मंत्र मुग्ध हो गए, भगवान के छवि पर लट्टू हो गए, भगवान के छवि के दीवाने हो गए। मैं अक्सर कहता हूं कि वास्तव में भगवान के रूप सौंदर्य के ऊपर बिक जाना, लुट जाना वास्तव में यही जीवन की सार्थकता है। किसी संत ने बहुत सुंदर बात कही है कि इस संसार में कुछ लोग जो है किसी के चाल पर मरते हैं, इस संसार में कुछ लोग जो है किसी के खाल पर मरते हैं, खाल यानी कि चमड़ी पर मरते हैं, और लगभग दुनिया के सब लोग इसी पे मरते हैं। कुछ लोग किसी के खाल पर मरते हैं, कुछ लोग किसी के चाल पर मरते हैं, कुछ लोग किसी के गाल पर मरते हैं, परंतु दुनिया में धन्य है वो लोग जो नंद के लाल पर मरते हैं, जो हमारे यशोदा मैया के लाल पर मरते हैं, वास्तव में वही लोग धन्य हैं, वही लोग धन्य हैं। नहीं तो जो चांद पर मरते हैं, हमारे संत लोग कहते हैं कि जो चांद पर मरते हैं, चमड़े पर मरते हैं, उनका जीवन तो बेकार है। जो हमारे राम पर मरते हैं, हमारे ठाकुर जी के ऊपर मरते हैं, वास्तव में उन्हीं का जीवन सार्थक है। दोनों ब्राह्मणों ने गोपाल जी के सुंदर छवि का दर्शन किया, दर्शन करते ही भगवान के सौंदर्य का दर्शन करते ही दोनों मंत्र मुग्ध हो गए, भगवान के रूप के दीवाने हो गए और ऐसा भगवान के दर्शन की ललुपता बढ़ी, लालसा बढ़ी कि दोनों ब्राह्मण जो है अब अन्य जगह दर्शन करने जाना ही बंद कर दिया, अब वहीं पर रुक गए और लगभग 4 दिनों तक वो दोनों ब्राह्मण गोपाल जी के मंदिर में ही रुके और वहीं पर सुबह शाम दर्शन करते, प्रणाम करते और वहीं पर विश्राम करते, प्रसाद ग्रहण करते। 4 दिन तक वहीं पर दर्शन किए और जो छोटा ब्राह्मण था, जो युवक ब्राह्मण था, वह युवा ब्राह्मण जो है वृद्ध ब्राह्मण की खूब सेवा करता था, खूब सेवा करता था। देखिए वृंदावन में जाते हैं तो हम लोगों को सेवा भी करना चाहिए, वृंदावन में जा करके हम लोगों को अपनी सेवा करानी नहीं चाहिए, सेवा करना चाहिए, वृंदावन में दूसरे लोगों की सेवा करनी चाहिए। उस युवा ब्राह्मण ने खूब सेवा किया उस बूढ़े ब्राह्मण का और बूढ़ा ब्राह्मण जो है युवा ब्राह्मण के सेवा से इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि वृंदावन धाम में एक दिन उस बूढ़े ब्राह्मण ने अपने युवा ब्राह्मण से कहा कि देखो बेटा, तुमने जो है मेरी इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, तुमने मेरी इतनी सेवा की है कि मेरे अपने निजी औलाद भी मेरी उतनी कभी सेवा नहीं की जितना तुमने आज मेरी सेवा की है, इसलिए चूंकि तुमने मेरी सेवा की है तो जो व्यक्ति हमारी सेवा करता है उसके प्रति हमें सदैव
कृतज्ञ रहना चाहिए, उसका आभारी रहना चाहिए, उसका उपकार मानना चाहिए। और तुमने मेरी इतनी सेवा की है और मैं अगर तुम्हारा आभारी नहीं रहूँगा, कृतज्ञ नहीं रहूँगा, तो मुझे कृतज्ञता का दोष लगेगा। इसलिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ और मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुमको वचन देता हूँ कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। तुमने मेरी इतनी सेवा की है, इसके बदले मैं और कुछ तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी कन्या जो है, अपनी इकलौती कन्या जो है, मैं तुमको ही दान दूंगा। मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे ही करूंगा। उस समय युवा ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप वृद्ध हैं, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मैंने आपकी सेवा करके आपके प्रति कोई उपकार नहीं किया है, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं कर दिया, ये तो मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैं इस सेवा के बदले कुछ भी नहीं चाहता हूं। ब्राह्मण देवता ने, उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, आप कुछ भी कहो, मैं आपकी सेवा से इतना प्रसन्न हूं कि अपनी बेटी का विवाह तुमसे ही करूंगा। युवा ब्राह्मण ने कहा कि देखिए ब्राह्मण देवता, आप ये जो बात कह रहे हैं अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेंगे, ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि एक तो आप धनवान हो, दूसरे विद्वान हो, तीसरे गुणवान हो, जाति में भी मुझसे बड़े हो। इसीलिए आप तो धनवान हो, विद्वान हो, जाति में भी बड़े हो, और मैं तो बेचारा बहुत गरीब हूँ, जाति में भी छोटा हूँ, और मैं उतना विद्वान भी नहीं हूँ। आपका और हमारा दोनों में कहीं मेल जोल नहीं है, इसीलिए आप ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल असंभव है, आपकी बेटी का विवाह मुझसे नहीं हो सकता। उस समय उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि देखो बेटा, भले तुम्हारे पास धन नहीं है, भले तुम्हारे पास बहुत उच्च शिक्षा भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर सेवा भाव है, तुम्हारे भीतर जो है भगवान कृष्ण की भक्ति है, तुम भगवान के भक्त हो, और चूंकि तुम भगवान के भक्त हो इसलिए तुम जो है मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे, तुम मेरी बेटी के भावनाओं को, उसके सुख दुख को अच्छे से समझ पाओगे, और बेटा जीवन में हर समय एक जैसा नहीं रहता है, आज तुम गरीब हो लेकिन आगे चल करके ठाकुर जी कृपा से अमीर भी हो जाओगे। ये तो अमीरी गरीबी तो आते जाते रहती है, कभी कभी तो बहुत बड़ा बड़ा धनवान आदमी भी कभी कभी गरीब हो जाता है अपने कर्म बस, और कभी कभी बहुत गरीब आदमी बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। तो धन की तो कोई बात नहीं, बस तुम्हारा आचरण बहुत अच्छा है, तुम्हारे भीतर संस्कार बहुत अच्छे हैं, भगवान की भक्ति है, इसलिए मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे ही करूंगा। युवक ने कहा, युवा ब्राह्मण ने कहा, आप कह रहे हैं सो ठीक है, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन ब्राह्मण देवता, आपके घर पर आपकी स्त्री है, आपके बच्चे हैं, आप तो अपनी कन्या मुझे दान करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपकी स्त्री कहीं मना कर दे तो, स्त्री राज्य कहीं आपके बच्चे मना कर दे तो। इसीलिए ब्राह्मण देवता, आप ये जो वचन दे रहे हैं ना, इसको वापस ले लीजिए, आप झूठे बहुत संकट में पड़ रहे हैं, आप इसको वापस ले लीजिए। उस समय वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि देखो बेटा, तुम तनिक भी चिंता मत करो, कन्या जो है वो मेरी अपनी संपत्ति है, और मैं अपनी संपत्ति किसी को भी दे सकता हूँ, इसमें दूसरा बोलने वाला कौन है, चाहे मेरी पत्नी ही क्यों ना, मेरा बेटा ही क्यों ना, मेरी बेटी मेरी संपत्ति है, मैं चाहे जिसको भी दूँ, तीसरा आदमी कौन बोलने वाला है। और देखो बेटा, अगर मेरे अपने घर वाले विरोध भी करेंगे तो भी जो है
मैं लड़ाई झगड़ा करके भी मैं अपनी बेटी तुमको ही दूंगा, अगर विरोध भी करे तो भी तुमको ही दूंगा, अपनी बेटी का विवाह तुमसे ही करूंगा। उस समय युवा ब्राह्मण ने कहा कि देखो आप आज तो ये बात कह रहे हैं वृंदावन धाम में, लेकिन कहीं घर पर जाने के बाद कहीं पत्नी बच्चे जो है आपको मना कर दे तो कहीं आप जो है इनकार तो नहीं कर दोगे ना, आप अपने वचन से मुकर तो नहीं जाओगे ना, क्योंकि लोगों के दुनिया के लोगों का जुबान का कोई भरोसा नहीं है। दुनिया के लोगों का जुबान जो है ना वो कछुए के मुंह की तरह है। आप लोग देखे हैं ना कछुआ का जो मुंह होता है वो कछुआ का मुंह जो है कुछ देर बाहर निकलता है और कुछ ही देर में अंदर चल जाता है, उसी तरह लोगों का जुबान होता है। सुबह में कुछ और बोलेंगे और शाम को अपना बतिया वापस ले लेंगे, सुबह में बाहर निकालेंगे और शाम को अंदर खींच लेते हैं। लेकिन भगवान की जो वाणी होती है ना वो हाथी के निकले हुए दांत के समान होता है। हाथी का दांत एक बार बाहर निकल गया बस निकल गया, वो वापस अंदर नहीं जाता है। इसी तरह से भगवान ने एक बार जो कह दिया वो करना है। इसीलिए रामायण में गोस्वामी ने लिखा है ना, रघुकुल रीत सदा चलियाई, रघुकुल रीत सदा चलियाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और हम सब लोगों की रीत कलयुग की यह रीत चलियाई, कलयुग की यह रीत चलियाई, वचन जाए पर प्राण न जाई। हम लोग की रीति ऐसी है, कलियुग के लोगों का जुबान का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्र सिखाते हैं कि हम सबका जुबान ऐसा होना चाहिए, हम सबका वचन ऐसा होना चाहिए कि हमारे जुबान पर हमारे दुश्मन को भी भरोसा हो। महाभारत हमको सिखाती है कि हम सबका जुबान, हम सबका वचन, हम सबकी वाणी ऐसी हो कि हमारे दुश्मन को भी हमारे वाणी पर भरोसा हो, हमारे वचन पर भरोसा हो कि हम जो कहेंगे वो गलत नहीं होगा। हमारे दुश्मन को भी हमारे वचन पर भरोसा होना चाहिए, ऐसा हमारा जुबान होना चाहिए। जैसे महाभारत में कथा है युधिष्ठिर महाराज जी का, महाभारत में कथा आती है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सारे बड़े बड़े योद्धाओं की मृत्यु हो गई, सारे बड़े बड़े वीर योद्धा मारे जा चुके थे, अब केवल दुर्योधन बचा हुआ था, केवल दुर्योधन बचा हुआ था। अब एक दिन दुर्योधन जो है अपनी माँ गंधारी के पास गया। दुर्योधन ने कहा कि माँ, युद्ध में सारे सैनिक मारे जा चुके हैं, केवल एक मैं ही बचा हूं और मैं जो है युद्ध में विजयी होना चाहता हूं, और भीम जो है मुझको मारने की प्रतिज्ञा ले चुका है और भीम मुझको मारना चाहता है, इसलिए माँ मैं ऐसा क्या करूं कि मुझको युद्ध में विजय प्राप्त हो, मैं विजयी बनूं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उस समय गांधारी ने, देखिए गांधारी को युधिष्ठिर महाराज के वचन पर कितना विश्वास है कि उस समय में गांधारी ने क्या कहा, दुर्योधन की माता गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि बेटा अगर तुम युद्ध में विजयी होना चाहते हो और उस विजय को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये जानना चाहते हो तो युधिष्ठिर से जाकर के पूछो। आप लोग सोचिए कि युधिष्ठिर महाराज जी का जुबान,
उनका वचन कितना सत्य होगा, उनका आचरण कितना शुद्ध और पवित्र होगा कि उन्हीं पांचों पांडवों ने दुर्योधन के सारे सैनिकों को मार डाला था, बड़े बड़े वीर योद्धाओं को मार डाला था, लेकिन फिर भी माता गंधारी को युधिष्ठिर पर विश्वास है कि इतना होने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज कभी भी गलत नहीं बोलेंगे, कभी भी गलत राय नहीं देंगे, वो अच्छा राय देंगे, अच्छा सलाह सुझाव देंगे। कैसा जीवन होगा ना युधिष्ठिर महाराज जी का। गंधारी माँ ने, माँ गंधारी ने कहा कि बेटा जाओ अपना युधिष्ठिर से पूछो, वो तुमको विजयी होने का उपाय बताएंगे। और देखिए दुर्योधन को भी युधिष्ठिर महाराज के वचन पर विश्वास था। सोचिए युधिष्ठिर महाराज जी का जुबान, उनका वचन, उनका व्यवहार कितना पवित्र होगा कि पांडवों का सबसे बड़ा दुश्मन था दुर्योधन, लेकिन इतना बड़ा दुश्मन होने के बाद भी उसको ही विश्वास है कि युधिष्ठिर महाराज मुझे कभी गलत नहीं बोलेंगे, गलत राय, गलत उपाय नहीं बताएंगे। माँ की बात मान करके दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज जी के पास गया और जा करके पूछा कि भैया मैं युद्ध में विजयी होना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ, क्या उपाय करूँ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखो अगर तुम युद्ध में विजयी होना चाहते हो, देखिए अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि जिस दुर्योधन के मरने पर जो है पांडवों को सारा राज्य मिल जाता, उसी दुर्योधन को जो है युधिष्ठिर महाराज युद्ध में कैसे विजयी होना है इसका उपाय बतला रहे हैं। आप लोग सोचिए जरा कि कोई ऐसा आदमी हो जिससे हमारी लड़ाई चल रही हो, इसी उदाहरण को हम अपने ऊपर ले लें, कोई आदमी हो और उससे लड़ाई चल रही हो और बस वो एक आदमी के मरने से हमको पूरा उत्तर प्रदेश का राज्य की संपत्ति मिल जाएगी, और वो व्यक्ति हमारे पास आए कि हम कैसे, हम हमारे पास आकर के पूछे कि हम आपसे कैसे जीतेंगे, अगर हम लोग को ये बात पता भी होगा तो हम लोग उसको बताएंगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी का जीवन कैसा है, उनसे ही जीतने के लिए उनको ही हराने का उपाय पूछ रहा है, और युधिष्ठिर महाराज भी कैसे हैं तो उन्होंने उपाय भी बतला दिया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखो दुर्योधन अगर तुम युद्ध में विजयी होना चाहते हो तो तुम अपनी माँ के पास जाओ, और माँ के पास भी कैसे जाना, तुम अपने सारे वस्त्र निकाल देना, तुम पूरा निर्वस्त्र होकर के जाना, और तुम्हारी माँ के आंखों में इतनी शक्ति है कि तुम्हारी माँ गांधारी जो है अगर एक बार अपने आंखों से तुम्हारे पूरे शरीर को देख देंगे ना तो तुम्हारा पूरा शरीर जो है वज्र के समान कठोर हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा और तुम विजय प्राप्त, तुम विजयी हो जाओगे। युधिष्ठिर महाराज ने उपाय भी बतला दिया, और वास्तव में माता गंधारी के नेत्रों में शक्ति थी, क्योंकि माता गंधारी जी के पास आंख थे लेकिन चूंकि उनके पति अंधे थे तो माता गंधारी ने भी व्रत ले लिया था कि जब मेरे पति नहीं देखते हैं तो मैं भी नहीं देखूंगी। इतनी पतिव्रता थी वो कि मेरे पति नहीं देखते हैं तो मैं भी नहीं देखूंगी, नहीं तो कभी जो है मेरे मन में अभिमान आ जाएगा कि मेरे पति के पास आंख नहीं और मेरे पास आंख है, मेरे पति अंधे हैं मैं आंख वाली हूँ, कभी अभिमान आ जाएगा। इसीलिए माता गंधारी ने अपने आंख पर पट्टी बांध दिया था।
मेरे पति नहीं देखते तो मैं भी नहीं देखूंगी। और जब कोई व्यक्ति अपने आंखों को अपने नियंत्रण में रख लेता है ना, तो उसके आंख में इतना तेज भर जाता है कि वो व्यक्ति किसी को क्रोध भरी नजरों से देख दे तो आदमी जलकर भस्म हो जाएगा। उसके आंख में इतना तेज भर जाता है। दुर्योधन जो है अपनी माँ के पास जा रहा था। अब जो है भगवान कृष्ण को ये सूचना मिल गई। भगवान ने सोचा कि युधिष्ठिर सारा हथिया निकल गया, खाली पोछिया बचा हुआ है और युधिष्ठिर महाराज जो है इसको उपाय बतला दिए और जाकर के कहीं इसका पूरा शरीर जो है वज्र के समान हो गया, तब तो मेरा सारा किया कराया हुआ सब पानी में मिल जाएगा। इसीलिए रास्ते में ही ठाकुर जी मिल गए। आप लोग और थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। दुर्योधन जो है वो अपनी माता के पास जा रहे थे, रास्ते में ठाकुर जी मिल गए। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा कि दुर्योधन आज बड़ा सवेरे सवेरे आप कहाँ जा रहे हैं। तो दुर्योधन ने सारी बात बताई तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो तुम अपनी माँ के पास जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा तो तुम शर्म करो कि अपनी माता के पास तुम निर्वस्त्र होकर जाओगे तो कैसा लगेगा। थोड़ा तो शर्म करो, जब बच्चे छोटे रहते हैं उस समय नंग धड़ंग रहे तो कोई बात नहीं, तुम इतने बड़े हो और अपनी माता के पास जो निर्वस्त्र होकर जाओगे तो कैसा लगेगा। तो दुर्योधन जो है भगवान किसी को समझाए और कोई नहीं समझे ऐसा हो सकता है भगवान अच्छे अच्छों को समझा देते हैं तो दुर्योधन ने कहा कि ठीक है कन्हैया, क्या करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम ऐसा करो कि सब पूरे शरीर पर कपड़ा, पूरा शरीर नंगा रखो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपना कमर के नीचे और अपने जांघ के ऊपर इतना तो ढक लो, कमर के नीचे का भाग और जांघ से ऊपर का भाग इतना तो ढक लो और फिर अपनी माँ के पास जाओ। दुर्योधन भगवान की बातों में आ गया और अपने कमर और जांघ को अच्छे से ढक लिया और फिर अपनी माता के पास गया। माता गंधारी ने अपने नेत्र खोले और अपने नेत्रों से दुर्योधन के सारे अंगों को देखा, जितने अंगों को देखा ऊपर से नीचे तक सारे अंग जो है वज्र के समान कठोर हो गए, लेकिन चूंकि जो कमर के नीचे और जंघा के ऊपर का जो भाग था उस पर कपड़े थे इसीलिए वह अंग जो है बिल्कुल कोमल ही रह गया है। और भीम ने प्रतिज्ञा लिया था क्या कि मैं जो है तुम्हारी जांघ को ही तोड़ूंगा। भीम ने प्रतिज्ञा लिया था क्योंकि जब पूर्वंश की सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था उस समय जब दुर्योधन ने अपनी जंघा को ठोक करके कहा था कि इस द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरे जंघा पर बैठाओ, उस समय भीम ने प्रतिज्ञा लिया था कि एक दिन जो है मैं अपनी गदा से तुम्हारी जांघ को ही तोड़ डालूंगा। और जो है क्योंकि पूरा शरीर दुर्योधन का वज्र के समान कठोर हो गया लेकिन जंघवा जो है वो तो कोमल ही था, और इसीलिए जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ उस समय भीम ने दुर्योधन के जंघा पर मारा और ऐसा मारा कि दुर्योधन जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसका प्राण का अंत भी हो गया। तो ये प्रसंग बड़ा है लेकिन कहने का भाव ये है कि देखिए युधिष्ठिर महाराज जी का जुबान, उनका वचन उनका व्यवहार कितना पवित्र था कि युधिष्ठिर महाराज जी के वाणी पर
दुर्योधन जैसे शत्रु को भी विश्वास था, दुर्योधन जैसे शत्रु को भी विश्वास था, माता गंधारी को विश्वास था कि युधिष्ठिर महाराज जो कहेंगे, जो उपाय बताएंगे, जो सलाह देंगे वो बिल्कुल अच्छा सलाह उपाय बताएंगे। महाभारत के युधिष्ठिर महाराज जी के चरित्र से सीख मिलती है कि हम सब लोगों का भी जुबान वचन ऐसा होना चाहिए कि हमारे वचन व्यवहार और जुबान पर हमारे दुश्मन को भी भरोसा हो। कि अगर हम इन फलाना आदमी के पास जाएंगे ना तो ये जो राय देंगे बिल्कुल निष्पक्ष राय देंगे, ऐसा हमारा वाणी व्यवहार और आचरण होना चाहिए। लेकिन बड़े कष्ट की बात है कि हमारे वाणी पर दुश्मन को तो क्या विश्वास होगा, हमारे अपने पत्नी को ही विश्वास नहीं होता है कि नहीं। हम लोगों का आचरण इतना महान इतना पवित्र होता है, हम लोगों के पड़ोस हम लोगों के पड़ोसी आदमी को भी हमारे वाणी वचन पर विश्वास नहीं होता, हम लोगों का चरित्र इतना महान है। तो उस ब्राह्मण देवता ने युवा ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि आप आज कह रहे हो कि आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दोगे, लेकिन बाद में जब आपकी स्त्री और बच्चे जो है कहीं विरोध करेंगे तो कहीं आप अपने वचन से मुकर तो नहीं जाओगे ना, अपने वचन से मुकर तो नहीं जाओगे ना। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने वचन से नहीं मुकरूंगा। उस समय युवा ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, अगर आप अपने वचन से नहीं मुकरोगे तो ऐसा कीजिए कि मैं आपके वचन पर कैसे विश्वास कर लूं। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि आप बताओ मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए क्या करूं। युवा ब्राह्मण ने कहा कि आप अगर मुझे विश्वास दिलाना चाहते हैं तो आप गोपाल जी सामने ही हैं, तो आप यही बतिया जो है ना गोपाल जी के सामने चल करके सारी बात कह दीजिए, ताकि हमारे और आपके बात को हमारे गोपाल जी सुन लेंगे, तो गोपाल जी के सामने ये बात कह देंगे ना तो हम विश्वास कर लेंगे। कई बार अपने गांव में लोग कहते हैं ना, जब झगड़ा होता है तो कहते हैं चल मंदिर में चल के शंकर जी के सामने क्रिया खो लोग कहते हैं ना, चलो मंदिर में चल के क्रिया खाओ तब हम विश्वास करेंगे। तो उस युवा ब्राह्मण ने कहा कि गोपाल जी के सामने आप चलकर अपनी बात कह दीजिए। वृद्ध ब्राह्मण तैयार हो गया, गोपाल जी के सामने गया और जा करके गोपाल जी के सामने कहा कि हे गोपाल जी, मैं आपके सामने आपको साक्षी रख करके कह रहा हूँ कि मैं इस वृंदावन धाम में आपको साक्षी रख के कह रहा हूँ कि मैं अपनी कन्या का विवाह जो है इस युवा ब्राह्मण से करूँगा, मैं इसी युवा ब्राह्मण को मैं अपनी कन्या का दान करूँगा, मैं आपके सामने कह रहा हूँ हे गोपाल जी आप मेरी बात को सुन लीजिए। उस समय युवा ब्राह्मण ने भी गोपाल जी से कहा कि हे गोपाल जी देखिए ये ब्राह्मण देवता जो है आपके सामने कह रहे हैं, आपके सामने ये बात कह रहे हैं, और अगर आगे चल करके कहीं पत्नी बच्चों के कहने पर अगर ये बदल गए तो गोपाल जी मैं आपको अभी से निवेदन कर रहा हूँ कि अगर ये ब्राह्मण आगे चल करके अपने वचन से मुकरेंगे तो आपको जो है मेरे गांव में आकर के गवाही देना पड़ेगा। इस तरह से उस युवा ब्राह्मण ने भगवान से कह दिया, बिल्कुल सच्ची घटना है वृंदावन की। इस तरह से दोनों वृद्ध युवा ब्राह्मण जो है दोनों वृद्ध और युवा ब्राह्मण गोपाल जी के सामने बात कह करके और फिर जो है वृंदावन से वापस अपने गांव विद्यानगर में चले गए। अब एक दिन उस बूढ़े ब्राह्मण ने सोचा कि मैंने तो उस ब्राह्मण को वचन दे दिया अपने बेटी का दान करूंगा, लेकिन घर वालों से भी तो राय ले लूं, घर वाले क्या कह रहे हैं। वृद्ध ब्राह्मण ने घर के सारे लोगों को बैठाया और कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से करना चाहता हूँ। इतना सुनना था
कि जो उसकी स्त्री थी वो फूट फूट के रोने लगी, प्याज बाप मर परम फूट गई। जैसे गांव में लोग रोते हैं उस तरह से वो स्त्री जो है उनकी स्त्री ब्राह्मण देवता की स्त्री रोने लगी। और उनका जो लड़कवा था उसका तो दिमाग इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया तो पिताजी को ही डांटने लगा। पिताजी को खूब जोर जोर से डांटने लगा। पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, मैंने वृंदावन जैसे धाम में भगवान के सामने वचन दे दिया है, अब तो मुझे कन्या का दान करना ही पड़ेगा। बेटे ने कहा, स्त्री और बेटे दोनों ने कह दिया कि देखो, अगर आप जो है हमारी बेटी और हमारे बहन का विवाह उसके साथ करोगे तो हम दोनों जो है जहर खाकर जान दे देंगे। इस तरह से जब स्त्री और बच्चे ने कहा उस समय वृद्ध आदमी बहुत दुखी हो गया, वृद्ध ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया, सोचने लगा कि अब मैं उस युवा ब्राह्मण को क्या जवाब दूंगा। उस समय वृद्ध ब्राह्मण के बच्चे ने कहा कि देखो पिताजी, आप जो है जब वो युवा ब्राह्मण अपने घर पे आएगा तो उसको कह दीजिएगा कि देखो मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरा याददाश्त कमजोर हो गया, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। आप ऐसा कह कर के बात को टाल देना। अब इस तरह से आपस में घर में इस तरह से चर्चा हो गई। अब दूसरे ही दिन जो है वह ब्राह्मण देवता जो युवा ब्राह्मण है वह वृद्ध ब्राह्मण के घर पर आया और आकर के ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा कि ब्राह्मण देवता, आपने वृंदावन में वचन दिया था कि आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे करेंगे, लेकिन अभी तक तो आपने कोई कुछ हमको बताया नहीं, कोई सूचना नहीं दिया, ऐसा क्यों? अब ये बात जो है युवा ब्राह्मण जैसे कह ही रहे थे उसी समय उनके घर का जो लड़की का जो भाई था यानी कि वृद्ध ब्राह्मण का जो बेटा था वो दौड़ा दौड़ा आया और लाठी लेकर के आया और लाठी लेकर के मारने के लिए दौड़ा उस युवा ब्राह्मण को। अब युवा ब्राह्मण तो झगड़ालू था नहीं, वो वहां से अपनी जान बचा करके भागा और भागते भागते कहा कि अब जो है ना शाम के समय में मैं गांव में सारे लोगों का पंचायत बैठाऊंगा। अब वो युवा ब्राह्मण जो है गांव के सारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको वहां पर इकट्ठा किया, पंचायत बैठा और पंचायत में उस वृद्ध ब्राह्मण को भी बुलाया गया और उन पंचों के बीच में युवा ब्राह्मण ने कहा कि देखिए, ये जो ब्राह्मण देवता है, वृद्ध ब्राह्मण देवता है, इनको ये हमारे साथ तीर्थ में गए थे और तीर्थ में वृंदावन में जाकर के इन्होंने ये वचन दिया था कि अपनी बेटी का शादी मुझसे करेंगे, लेकिन आज जो है ये अपने वचन से चूक रहे हैं, अब ये अपने वचन से मुकर रहे हैं। तो पंचों ने उस वृद्ध ब्राह्मण से पूछा कि आप ये बताइए कि युवा ब्राह्मण जो कह रहे हैं क्या ये सच कह रहे हैं? तो वृद्ध ब्राह्मण जो है अपने घर के स्त्री और बच्चों के डर से कह दिए कि अपने वचन से मुकर गए और कहने लगे कि नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, हमने इनको कोई वचन नहीं दिया था, हमको कुछ भी याद नहीं है। अब ये सुनकर के तो युवा ब्राह्मण और दुखी हो गए कि बहुत दुखी हो गए कि जावना खाती इतना सब हुआ था, आज वही बात आ गई। उस समय अब सारे पंचों ने अंत में उस युवा ब्राह्मण से पूछा कि आप ये बताइए कि आप दोनों की बात को
कोई तीसरा आदमी जानता है क्या, तीसरा आदमी सुना क्या? उस समय उस युवा ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, हम दोनों की बात जो है वृंदावन में जो गोपाल जी है ना, उन्होंने अच्छी तरह से सुना है, गोपाल जी ने बहुत अच्छी तरह से सुना है। और ये ब्राह्मण देवता जो है ना, गोपाल जी के सामने भी ये बतिया कहे थे, गोपाल जी के सामने बात कहे थे। तो पंचों ने कहा कि ठीक है, अगर गोपाल जी के सामने ये बात, ये वृद्ध ब्राह्मण आपको ये बात कहे हैं, तो हम लोग तो देखे नहीं है, तो ऐसा कीजिए तो हम लोग कैसे विश्वास कर लेंगे, क्या पता आप ऐसे ही कह रहे हो, हम लोग कैसे विश्वास कर लें। तो ऐसा कीजिए कि अगर गोपाल जी आ करके हम पंचों के बीच में आ करके अगर वे अपने मुंह से अगर गवाही दे दें, तब जो है हम लोग विश्वास कर लेंगे और फिर जो है इस ब्राह्मण की कन्या के साथ आपका विवाह हो जाएगा, ये ब्राह्मण देवता आपको अपनी कन्या सौंप देंगे अगर भगवान आकर गवाही दे तो। युवा ब्राह्मण ने कहा कि बिल्कुल भगवान गवाही देंगे, क्योंकि भगवान के सामने ये बात हुई थी। अब जो है वो युवा ब्राह्मण जो है वृंदावन गए और साक्षी और अपने गोपाल जी के मंदिर में गए, गोपाल जी को प्रणाम किया और ब्राह्मण ने गोपाल जी से कहा कि हे प्रभु, आप जो है बड़े भक्त वत्सल हैं, आप बड़े दयामय हैं, आप जो है आपके सामने उस ब्राह्मण देवता ने ये वचन दिया था कि अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेंगे, लेकिन आज जो है वो घर परिवार के दबाव में आकर के अपने वचन से मुकर रहे हैं और वो मुझको झूठा साबित कर रहे हैं, इसलिए हे प्रभु आप जो है अपने इस तुच्छ भक्त की लाज बचाने के लिए आप जो है चल करके गवाही दीजिए, गवाही दीजिए। उस समय भगवान ने कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, आप जाइए, आप अपने गांव में जाइए, सारे पंचों को इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करके वहां पर केवल मेरा स्मरण कीजिएगा तो मैं तुरंत वहां पर प्रकट हो जाऊंगा और गवाही दे दूंगा। उस समय उस युवा ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु जी, आप मेरे साथ में चलिए, आप मेरे साथ में चलिए, क्योंकि अगर आप जो है वहां पर पंचों के बीच में प्रकट होकर के कहेंगे ना, तो भी लोग विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप चल करके नहीं कहेंगे तब तक कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए आप मेरे साथ में चलने की कृपा कीजिए। तो भगवान ने कहा कि कहीं मूर्ति चलती है क्या? तो उस युवा ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु जी, मूर्ति तो बोलती भी नहीं है लेकिन आप तो बोल रहे हैं, तो जब आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। तो भगवान मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ चलूं तो मैं चलूंगा, लेकिन एक शर्त है कि अगर तुम जो है मैं तुम आगे आगे चलना और मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, और अगर तुमने अगर एक बार भी पीछे मुड़ करके देख लिया तो मैं वहीं पर रुक जाऊंगा, फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो युवा ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु जी, आप पहले ये बताइए कि आप मेरे पीछे पीछे चलेंगे ये मुझको कैसे पता चलेगा? तो भगवान ने कहा कि मैं जब चलूंगा ना तो मेरे पांव की पायल की आवाज आपके कान में सुनाई देगी, तो समझ लीजिएगा कि मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। अब इस तरह से भक्त और भगवान का आपस में पूरा डील हो गया, पूरा बात हो गया। अब भक्त जो है वो युवा ब्राह्मण भगवान के नाम का कीर्तन करते करते आगे आगे चले जा रहे हैं और साक्षात श्री गोपाल जी वृंदावन में अपने मंदिर से बाहर निकल करके उस भक्त के पीछे पीछे चलने लगे हैं। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान अपने भक्त की, भक्त के घर, भक्त के गांव, गांव गवाही देने के लिए चल पड़े हमारे ठाकुर जी।
अब चलते 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 ठाकुर जी के पांव दुखने लगे। हाँ, तो भगवान ने कहा थोड़ा रुक जाइए। फिर वहीं पर उस भक्त ने भगवान की सेवा की और फिर भगवान चले, और चलते 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 जो है भक्त और भगवान वृंदावन से, वृंदावन से गोपाल जी जो है उस भक्त के गांव विद्यानगर में पहुंच गए। अब भक्त ने सोचा कि अब ठाकुर जी तो हमारे गांव में आ गए हैं, अब अगर पीछे मुड़ के देख लेंगे और रुक भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। भक्त ने पीछे मुड़ करके देखा, ठाकुर जी वहीं पर रुक गए और भगवान ने कहा कि जाओ तुम जो है गांव के सारे पंचों को यहीं पर इकट्ठा करो और मैं जो है सबको, सबके सामने मैं गवाही दूंगा। इस तरह से जैसे ही भगवान ने कहा उसी समय धीरे 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 जो है पूरे गांव में बात फैल गई कि हमारे गांव में साक्षात ठाकुर जी चल करके आए हैं। गांव के सारे लोगों ने जैसे ये खबर सुना सबके भीतर आनंद की लहर छा गई, सब लोग आनंद के सागर में डुबकी लगाने लगे कि आज हमारे गांव में वृंदावन से चल करके पैदल चल करके गोपाल जी आए हैं। गांव के सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, सब लोग भगवान को प्रणाम करने लगे, भोग लगाने लगे, आरती होने लगा, मृदंग करताल झांझ शंख बजने लगे, अद्भुत पूरा गांव बैकुंठ बन गया। अब गांव के सारे पंच वहां पर इकट्ठा हुए और उस वृद्ध ब्राह्मण को भी बुलाया गया और पंचों ने भगवान से पूछा, गोपाल जी से पूछा कि गोपाल जी अभी भी वो लोग को मजाक ही लग रहा था, गोपाल जी कहीं बोलेंगे। तो पंचों ने गोपाल जी से पूछा कि गोपाल जी आप ये बताइए कि ये ब्राह्मण देवता, ये वृद्ध ब्राह्मण देवता आपके सामने अपनी बेटी का विवाह इस युवा ब्राह्मण से करने के लिए कहे थे क्या? उस समय जो गोपाल जी थे जो एकदम मूर्ति के रूप में थे, लेकिन अपने भक्त के लिए भगवान को गवाही देना था तो भगवान जो है उस मूर्ति के भीतर से ही बोल पड़े और भगवान ने सबके सामने, सारे गांव के लोगों के सामने, सारे पंचों के सामने जो है भगवान अपने मुख से कहने लगे कि हे पंचों, ये जो वृद्ध ब्राह्मण देवता है इन्होंने मेरे सामने ही इस युवा ब्राह्मण को अपनी बेटी का दान करने के लिए, अपनी बेटी से विवाह करने के लिए वचन दिए थे। अब जैसे ही पंचों ने मूर्ति के भीतर से आवाज सुना सारे पंच लोग, गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए और नित्यानंद प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु जी को कहते हैं कि हे महाप्रभु जी, यद्यपि भगवान का नाम गोपाल था लेकिन जब भगवान ने साक्षी बन करके अपने भक्त के लिए गवाही दिया उसी दिन से भगवान का नाम साक्षी गोपाल हो गया। बोलिए साक्षी गोपाल भगवान की जय। भगवान ने गवाही दिया और गवाही को सुन करके, अब भगवान के वचन को सुन करके कौन तर्क वितर्क करेगा। गांव के सारे पंच लोग संतुष्ट हो गए और पंचों ने निर्णय दिया कि अब इस वृद्ध ब्राह्मण की बेटी का विवाह इस युवा ब्राह्मण से ही होगा। और फिर जो है ऐसा ही हुआ, वृद्ध ब्राह्मण की कन्या और उस युवा ब्राह्मण, दोनों युवा ब्राह्मण के साथ जो है विवाह हुआ और फिर गांव के सारे लोग जो है गोपाल जी के भक्त बन गए। सब लोगों के कंठ में तुलसी, भाल पर तिलक, मुख में हरिनाम, हृदय में भगवान के सुंदर रूप का चिंतन होने लगा, पूरा गांव ही बैकुंठ बन गया। और वही गोपाल जी जो है जिनकी मैं कथा सुना रहा हूँ, साक्षी गोपाल जी, वही गोपाल जी बहुत वर्षों तक उसी गांव में, विद्यानगर गांव में रहे। पहले तो वृंदावन से विद्यानगर में गए और फिर वृंदावन और विद्यानगर से भगवान जो है बहुत वर्षों के बाद विद्यानगर से भगवान जो है कटक में चले गए, जो संभवतः उड़ीसा या बंगाल में आता है, उड़ीसा में आता है। तो कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे तो हम लोग जगन्नाथपुरी चलेंगे, तो जगन्नाथपुरी के पास में ही है तो हम लोग साक्षी गोपाल जी का भी दर्शन करेंगे।
बहुत सुंदर ठाकुर जी हैं वहाँ पर। तो जिनकी आज हम लोग कथा सुन रहे हैं उनका दर्शन भी करने के लिए हम लोग चलेंगे, कभी ठाकुर जी बुलाएंगे तो। तो इस तरह से चैतन्य चरितामृत में यह प्रसंग है, बहुत विस्तार से है। और ये प्रसंग जो है बलराम जी के अवतार नित्यानंद प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु जी को सुना रहे, और कहाँ सुना रहे हैं, वहीं पर साक्षी गोपाल जी के मंदिर में बैठ करके ही साक्षी गोपाल जी की कथा सुना रहे हैं। तो ये प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन इस प्रसंग को कहने का भाव ये है कि देखिए, जैसे वह युवा ब्राह्मण जो है वृंदावन में भगवान का दर्शन करने गए, तो दर्शन करते समय वे गोपाल जी को केवल एक मूर्ति नहीं मानते थे, पत्थर की मूर्ति नहीं मानते थे, वो क्या मानते थे कि गोपाल जी साक्षात भगवान हैं। प्रतिमा न हाय तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। वो ब्राह्मण देवता वृंदावन में भगवान का दर्शन करने तो गए, देखिए हम सब लोग भी वृंदावन चलने वाले हैं ना, तो कई बार लोग कहते हैं कि अरे प्रभु जी पिछले ही साल तो वृंदावन गए थे, अब इस साल क्या वृंदावन चलना, कहीं और चलते हैं, मतलब मन भर गया है अब। लेकिन वास्तव में जब तक हम लोगों के भीतर ऐसा भाव ना आ जाए कि हम बांके बिहारी जी का दर्शन करें तो ऐसा लगे कि हम मूर्ति का दर्शन नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगे कि हम साक्षात यशोदानंदन का दर्शन कर रहे हैं, जब हमारे भीतर ऐसा भाव आ जाए ना, तब समझ लीजिएगा कि आज हमने सच्चे अर्थों में ठाकुर जी का दर्शन किया है। नहीं तो हम लोग खाली बस गए भीड़ भाड़ में धक्का धुक्की खा करके और प्रणाम करके प्रसादी लेकर के चले आए और बोले हम वृंदावन घूम आए, और भगवान के श्री विग्रह में अभी साक्षात भगवत बुद्धि नहीं हुई, तो समझ लीजिए कि हमारा दर्शन अभी अधूरा है। ठीक है, ऐसे भी दर्शन करना प्रणाम करना उसकी महिमा है, व्यर्थ नहीं है, लेकिन जब तक उस ब्राह्मण युवा ब्राह्मण की तरह भगवान के श्री विग्रह में साक्षात भगवत बुद्धि न हो जाए कि हम वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, राधा रमन जी का दर्शन कर रहे हैं, राधा बल्लभ लाल जी का दर्शन कर रहे हैं, हम राधा श्याम सुंदर जी का दर्शन कर रहे हैं, राधा मदन मोहन जी का दर्शन कर रहे हैं, राधा गोविंद देव जी का दर्शन कर रहे हैं, राधा माधव जी का दर्शन कर रहे हैं, तो जिस दिन हमारे मन में ये भाव आ जाए कि ये कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है, उस दिन समझिए कि हमारा वृंदावन दर्शन करना सफल हो गया। और जब तक हम लोगों के मन में ये भाव ना आ जाए ना, तब तक हम लोगों को वृंदावन चलना है दर्शन करने के लिए। अब चाहे ये भाव लाने के लिए हमको पूरा 100 बार जाना पड़े, चाहे पूरा जिंदगी भर ही क्यों ना जाना पड़े, पूरा जिंदगी भर हर साल जाएंगे। हम अपने दिल की बात बताते हैं, हमको दुनिया में कहीं अच्छा नहीं लगता है, वृंदावन के अलावा कोई हमको अच्छा नहीं लगता है, सच कहते हैं हम। यद्यपि अन्य जो भगवान का धाम है वो भी ठीक है, उसका अपना सम्मान है, लेकिन वृंदावन जैसा अपनापन, वृंदावन जैसा कहीं नहीं लगता है, कहीं नहीं लगता है। वृंदावन में जाने पर ऐसा लगता है कि बस कहीं ना जाया जाए, बस अपना बिहारी जी के मंदिर में जाकर बैठकर वहीं पर बस उनके बड़े बड़े आँखों को देखते रहा जाए, बस यही मन होता है। तेरी अखिया है जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखिया है जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखिया है जादू भरी मैं तो कब से खड़ी, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया,
नेह लगाया मेरी अखिया तुम्ही से लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी, अखिया है जादू भरी बिहारी मैं तो। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही कर दिया मुझ पर टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। कर दिया टोना मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी, अखिया है जादू भरी बिहारी मैं तो। कृपा करो हरी दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी फूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी मेरी। टूटे ना भजन की लड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी मेरी, अखिया है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी, अखिया है जादू भरी बिहारी मैं तो। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाग के बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी के बड़े बड़े नैना हैं तेरे, मोटे मोटे नैन, ठाकुर जी के आंख बड़े दूर से ही दिखाई देते हैं। तो वृंदावन के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए कि ऐसा लगे कि हर महीने जाए, न जाने पर मन छटपटाने लगे। वो एक महीना हो गया बिहारी जी का दर्शन नहीं हुआ अभी तक, श्याम सुंदर जी का दर्शन नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए। तो हमें जो है उस युवा ब्राह्मण से सीख मिलती है कि हम वृंदावन में जाएं, वहां पर दर्शन करें, लेकिन कैसे दर्शन करें कि हम जो ठाकुर जी का दर्शन करें, मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है, तो हमारी हर बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे भाव से दर्शन करना चाहिए। अब देखिए भगवान भक्त के लिए गवाही, भक्त के गांव में जाकर गवाही दिए थे। एक और कथा मुझे याद आ रही है, मैं दो मिनट में सुना के विराम कर दूंगा। एक कथा आती है कि वृंदावन में एक संत रहते थे, वो हमेशा बिहारी जी के मंदिर में जाते थे और बिहारी जी के मंदिर के बाहर से ही वो दंडवत करके और फिर चले आते थे। और कभी जो है वो मंदिर के सामने जो है कभी बैठते नहीं थे, हमेशा खड़े ही रहते थे। और लोग जो है वृंदावन के संत लोग उनको जज साहब साहब कहा करते थे। तो एक दिन किसी ने वहाँ के बांके बिहारी जी के मंदिर के पुजारी से पूछा कि ये भक्त को, ये महात्मा जी को लोग जज साहब क्यों कहते हैं। तो बांके बिहारी जी के पुजारी ने उस महात्मा जी के जज साहब की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो जज साहब है ना, ये दक्षिण भारत के रहने वाले हैं और दक्षिण भारत के किसी छोटे शहर में ये अदालत में जज का काम करते थे। अब एक दिन की बात ये है कि एक बार
जज साहब के शहर के बगल में एक छोटा सा गांव था, और उस गांव में एक बहुत भोला व्यक्ति रहता था, एक भोला व्यक्ति रहता था, और वो केवल नाम से ही भोला नहीं था, वो काम से भी भोला व्यक्ति था, बहुत भोला व्यक्ति था, और वो रघुनाथ जी का भक्त था, राम जी का भक्त था, और कोई कुछ भी उससे पूछे, कोई किसी भी विषय पर उससे बात करे तो केवल यही कहता था कि जो जाने रघुनाथ जी जाने, जो जाने रघुनाथ जी जाने, बस केवल यही कहता था। अब एक दिन की बात यह है कि उस भोला की, उस भोला भक्त की जो है दो बेटे थे और एक बेटी थी, तो एक दिन जो है उसके बेटी का विवाह का समय आया, घर पर पैसे नहीं थे, तो बेटों ने पिताजी को सलाह दिया कि पिताजी गांव के जमींदार से कुछ पैसे मांग लेते हैं और अपने बहन का विवाह कर देते हैं, और फिर जब आगे कमा करके और शुद्ध ब्याज सहित जो है हम जमींदार को पैसा वापस लौटा देंगे, आप जाइए पैसा लेकर आइए। अब वो भोला व्यक्ति गया और जा कर के पैसे लेकर के आया, गांव के जमींदार से पैसे लेकर के आया, और अपने बेटी का शादी करके विदाई कर दिया। कुछ सालों के बाद बच्चों ने पैसा कमा करके इकट्ठा किया और पिताजी को दिया और कहा कि पिताजी जाइए जमींदार जी को दे दीजिए। पिताजी जमींदार को पैसा देने के लिए गए, जमींदार ने कागज पर लिख करके दे दिया कि इस भोला जी ने सारे पैसे वापस कर दिए हैं, और इस तरह से लिख करके और कागज जो है उस भक्त के हाथ में दिया, और जमींदार ने उस भोला भक्त से कहा कि आप जरा एक चिट्ठी पढ़िए इस पर क्या लिखा है। तो उस भोला भक्त ने कहा कि महाराज हम तो अनपढ़ आदमी हैं, जो जाने रघुनाथ जी जाने। अब वो जमींदार आदमी समझ गया कि ये भोला भाला आदमी, उसको कुछ पता नहीं है, वो उसके मन में लालच आ गया। उसने कहा, जमींदार ने भोले भक्त से कहा कि जरा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। जैसे वो भक्त पानी लाने के लिए गए, तब तक जो है उसने चिट्ठी बदल दिया, जमींदार ने चिट्ठी बदल दिया, पहले वाले चिट्ठी को रख दिया और दूसरे चिट्ठी पर लिख दिया कि अभी इन्होंने पूरा पैसा वापस नहीं लौटाया। अब पानी लेकर के आए तो जमींदार जो है वो दूसरा वाला चिट्ठी दे दिया, और फिर उसने, जमींदार ने कहा कि अब इस चिट्ठी को पढ़ो। तो भोला भक्त ने कहा कि महाराज क्षमा करें, हम अनपढ़ आदमी है, हमको तो कुछ पढ़े लिखे नहीं है, जो जाने रघुनाथ जाने, रघुनाथ जी जाने। इतना कह करके वो चला गया, भोला भक्त अपने घर चला गया। और कुछ दिन के बाद जो है वो जमींदार आदमी पुलिस चौकी में जाकर केस कर दिया कि इन्होंने पैसा लिया और वापस नहीं दिया। अब जो है ये केस जो है अदालत में पहुंच गई। अब अदालत में जैसे ये केस पहुंचा तो जो जज साहब वृंदावन में रहते थे ना, वही जज साहब अदालत में बैठे थे। वो भोला भक्त जो है कचहरी में, कटघरे में खड़ा हुआ। जज साहब ने पूछा कि बताओ तुमने इनको पैसे वापस दे दिए हो? तो भोला भक्त ने कहा कि हाँ जज साहब, मैंने इनको सारे पैसे दे दिए हैं। तो जज साहब ने कहा कि लेकिन चिट्ठी पर तो लिखा है कि तुमने सारे पैसे नहीं दिए हैं, चिट्ठी पर तो यही लिखा है। उस समय उस भोला भक्त ने कहा कि जज साहब हम तो कुछ जानते नहीं हैं, जो जाने रघुनाथ जी जाने, हम तो कुछ नहीं जानते। उस समय जज साहब ने उस भक्त से पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम जब इनको पैसे वापस देने के लिए गए थे तो तुम दोनों के बीच में कोई और भी था क्या? तो भोला भक्त ने कहा हाँ, हम दोनों के बीच में जो है केवल रघुनाथ जी थे, केवल केवल रघुनाथ जी थे। उस समय जज साहब को लगा कि इनके गांव में कोई रघुनाथ नाम का कोई आदमी रहता है। जज साहब जान गए कि ये भोला भला आदमी है, सीधा साधा आदमी है,
तो उस दिन जो है अदालत से छुट्टी मिली और जज साहब जान गए कि भोला भाला आदमी है, इसीलिए जज साहब ने क्या किया कि उस रघुनाथ नाम के आदमी के नाम से जो है एक चिट्ठी लिख दिया, चिट्ठी लिख दिया और पोस्टमैन के द्वारा उसके गांव में भिजवा दिया। अब पोस्टमैन जो है वो रघुनाथ जी के नाम का चिट्ठी लेकर के गांव में पहुंचा, पूरे गांव में पूछा कि इस गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी है, तो कहीं पता नहीं चला, कोई रघुनाथ नाम का कोई आदमी ही नहीं था। तब तक उस गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था, वहीं पर वो भोला भक्त सेवा करता था। तो किसी ने कहा कि गांव में एक ही रघुनाथ जी हैं, वो मंदिर है ना, वही रघुनाथ जी हैं, उसी मंदिर में रघुनाथ जी रहते हैं। तो पोस्टमैन को लगा कि लगता है कि उसमें रघुनाथ जी कोई नाम का आदमी रहता होगा। तो पोस्टमैन गया और जा करके मंदिर के पुजारी को कहा कि यहाँ पर कोई रघुनाथ जी रहते हैं क्या, तो रघुनाथ नाम के कोई आदमी रहते हैं क्या। तो पुजारी जी ने कहा कि नहीं नहीं, रघुनाथ जी नाम के तो कोई नहीं रहते, हमारे ठाकुर जी रघुनाथ जी हैं। तो पोस्टमैन जो है बहुत परेशान होकर के वो चिट्ठी जो है उन्हें पुजारी जी को दे दिया और पुजारी समझ गए, सारा मामला समझ गए और उन्होंने जो है वह पोस्टमैन का जो चिट्ठी है वो चिट्ठी रघुनाथ जी को दे दिया, राम जी को दे दिया। और पुजारी ने प्रार्थना किया कि प्रभु आप इस भोले भक्त का आप रक्षा करो। अब जो है अदालत का दूसरा डेट आया, उस समय दूसरे डेट पर वो पुजारी अपना भोला भक्त वहाँ पर उपस्थित हुआ और फिर जो है वो जमींदार आदमी वह भी वहाँ पर उपस्थित हुआ और जज साहब ने भोला भक्त से कहा कि आपके गांव में जो रघुनाथ जी रहते हैं, जो आप दोनों के बीच के बात को सुने थे, वो आपके साथ में आए हैं गवाही देने के लिए। तो भोला भक्त ने कहा कि जो जाने रघुनाथ जी जाने, अभी तक तो आए नहीं हैं। तो उस समय जज साहब को लगा कि लगता है कहीं आते होंगे, तो जज ने अपने चपरासी से कहा कि रघुनाथ जी को बुलाया जाए, जल्दी बुलाया जाए। अब चपरासी जो है वहाँ पर जोर जोर से अदालत में नाम उच्चारण करने लगा कि रघुनाथ नाम के व्यक्ति जल्दी हाजिर हो, जल्दी हाजिर हो, जल्दी हाजिर हो, कौन है रघुनाथ नाम का व्यक्ति, जल्दी हाजिर हो, जल्दी हाजिर हो। उस समय चपरासी की आवाज़ को सुनकर के हमारे साक्षात राम जी जो है वहाँ पर एक बूढ़े आदमी का भेष बना और लाठी से टेकते हुए अपने कंठ में तुलसी को धारण किए, भाल पर तिलक धारण करके वहाँ पर